नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दीपराज चंद्राकर और मैं अन अकेडमी में एक प्लस एजुकेटर हूँ। साथ के साथ अभी एक सीरीज चल रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे, जहाँ पे मैं डेली लगभग एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ और वो क्वेश्चंस बड़े शानदार क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिससे मुझे लगता है या तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है या उस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर आप अप्लाई करना वहां पे सीख पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे। उसी श्रेणी में एक सवाल आज आपके पास है, ये सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं। अगर ये सवाल आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल यहां पे वीडियो रोकिए और ये सवाल को सॉल्व कीजिए। ये कह रहा है अ 3R1P मैकेनिज्म, दैट इज योर 3 रिवोल्यूट एंड 1 स्लाइडिंग पेयर प्रिज्मेटिक पेयर मैकेनिज्म एज शोन इन फिगर। द मिनिमम नंबर लिंक्स दैट कैन कंप्लीट रोटेट इज, डायमेंशंस आर शोन इन द फिगर। ये डायमेंशंस दे रखे हैं, ये 25 है फिगलिंग, ये आपका 5 है, ये आपका 20 है, ये आपका 15 है। अब देखिए, बेसिकली आपका एक लिंक कंप्लीट रोटेशन में हो, इसके लिए ग्रसाप्स लॉ आपका रिस्पॉन्सिबल होता है बताने के लिए कि कब एक लिंक कंप्लीट रोटेशन में होने वाला है। ग्रसाप्स लॉ रिस्पॉन्सिबल होता है और वो आप 4 बार मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं कि 4 बार मैकेनिज्म में किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। दैट इज योर एस प्लस प्लस एल शुड बी लेस देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू, जहां पे एस क्या है, शॉर्टेस्ट लिंक है, उस मैकेनिज्म में शॉर्टेस्ट लिंक का लेंथ है, एल क्या है, लॉन्गेस्ट लिंक का लेंथ है, और जो पी और क्यू है वो रिमेनिंग 2 लिंक के लेंथ का सम होने वाला है। सो यही होता है ग्रसाप्स लॉ। अगर ये लॉ सेटिस्फाइड होता है तो कम से कम एक लिंक कंप्लीट रोटेशन में होगा उस मैकेनिज्म, ठीक है। ये 4 बार के लिए है, ये किसके लिए है, 4 बार के लिए है। अगर हम कहें सिंगल स्लाइडर, ये 4 बार के लिए हो गया। सिंगल स्लाइडर के लिए आपको अगर कोई श्रेणी को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा होगा तो मैं बता रखा था एक समय पे इस तरीके का कोई सिचुएशन, और इसको अगर मैंने ए कहा, इस पॉइंट को मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा और इसको मैंने डी कहा, इस तरीके से। अब मैं जो सी पॉइंट आपका टर्निंग पेयर है उसको एक स्लाइडिंग पेयर से रिप्लेस करना चाह रहा हूं इस सिचुएशन में, तो ये आपका एक स्लाइडिंग पेयर से रिप्लेस हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे एक स्लाइडिंग पेयर मैं लगा दूंगा, बिल्कुल यही आपका सी होने वाला है। और इस बार ये जो स्लाइडिंग पेयर है इसको अगर मैं चाहता हूं कि जो सी पॉइंट है सेम मोशन दे, तो यहां पे ये जो गाइड लगाने वाला हूं वो इस तरीके से मैं कुछ लगा दूंगा, तो इसका जो आपका रेडियस जो कर्वेचर होगा वो यहां पे होगा, है ना, मतलब इसका कर्वेचर का जो सेंटर होगा वो ये डी पॉइंट होना चाहिए। सो इस इंस्टेंट पे आपको दिखेगा कि हाँ भाई, जो सी पॉइंट का वेलोसिटी है वो सेम है, बिल्कुल। सो उस समय इस लिंक की आवश्यकता नहीं है। अब क्या किया, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये वाला डी वाला पार्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो आपका दिख रहा है, ये वाला जो गाइड है वो थोड़ा सा बेंड था, उसको स्ट्रेट कर दे रहा हूं। उसको क्या कर दे रहा हूं, स्ट्रेट कर दे रहा हूं इस तरीके से। अगर स्ट्रेट कर दूंगा दोस्तों, तो ये वाला जो लिंक आपको दिख रहा है ये कहां चले जाना चाहिए, ये सर इंफिनिटी में चले जाना चाहिए। कहां चले जाना चाहिए, इंफिनिटी में चले जाना चाहिए ये वाला लिंक। सिमिलरली अगर ये फिक्स लिंक आपका इंफिनिटी में चला जा रहा है, मतलब ये फिक्स पॉइंट आपका इंफिनिटी में चला जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका इंफिनिटी में चला गया होगा, बिल्कुल सर। इस तरीके से ये भी आपका इंफिनिटी में चला गया होगा, बिल्कुल, है ना। So, ये इस तरीके से आपका कुछ देखने को मिलेगा। तो ये सिंगल स्लाइडर के लिए जो इक्वेशन में कन्वर्जन देखने को मिलता है वो इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा, शॉर्टेस्ट लिंक प्लस ये दोनों में से एक आपका बड़ा लिंक होगा। लेट अस अस्यूम अगर मैंने ए और बी, सो ए प्लस इंफिनिटी को बड़ा लिंक मान लिया हूं, जस्ट वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। हालांकि देखने से ऐसा आप बोलेंगे कि सर बी तो ज्यादा दिख रहा है, लेकिन मैंने मान लिया कि यार इसका डायमेंशन ज्यादा दे रखा है, फिगर इज नॉट अप टू इसके, खत्म बात, ठीक है। सो इसके आगे बहस का मुद्दा नहीं रह जाता।
मैं कह रहा हूं अब कि ये ए प्लस इंफिनिटी जो मैं ले रहा हूं ये लॉन्गेस्ट लिंक है, शॉर्टेस्ट लिंक एक होगा इस सिस्टम में, शुड बी लेस देन और इक्वल टू आपका एक पी या क्यू में से जो लिंक होगा वो बी प्लस इंफिनिटी होगा। और अगर ये पी है तो एक क्यू होगा। तो बड़े ध्यान से अगर ये देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये आपका शॉर्टेस्ट लिंक रहा, ये आपका लॉन्गेस्ट लिंक हो जाएगा, शॉर्टेस्ट लिंक लॉन्गेस्ट लिंक, ये हो जाएगा आपका पी और ये क्यू। सो इस तरीके से ये सेम फोर बार का जो था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सिंगल स्लाइडर के लिए। किसमें कन्वर्ट कर दिया हम? सिंगल स्लाइडर के लिए, सिंगल स्लाइडर। इसके लिए हमने कन्वर्ट कर दिया। मतलब अगर ये लॉ सेटिस्फाइड करेगा इस तरीके से, सो गारंटी है कि एक लिंक कम से कम कंप्लीट रोटेशन में होगा। ग्रेस्टाप्स लॉ तो यही बोलता है ना, और वहीं से हमने इसको कन्वर्ट किया है किसके लिए? सिंगल स्लाइडर के लिए। सो ऑब्वियसली यहां पे एक लिंक कंप्लीट रोटेशन में होगा अगर लॉ सेटिस्फाई करेगा तो, और लॉ सेटिस्फाई नहीं किया मतलब एक भी लिंक कंप्लीट रोटेशन में नहीं होने वाला। क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि कितना लिंक कंप्लीट रोटेशन में होगा, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक। सो चलिए देखते हैं। अब देखिए इस पे आप, हो सकता है थोड़ा सा आपको सोचने में दिक्कत हो, तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो फिक्स लिंक है यहां से ये वाला जो लिंक है वो एक ही लिंक होता है। सो इस लिंक को आप कह सकते हैं कि ये जाएगा इंफिनिटी में, किधर जाएगा? इंफिनिटी में। सिमिलरली ये वाला लिंक जो है ये आपका जाने वाला है इंफिनिटी में। ये जाने वाला है। इसका मतलब है इस लिंक का लेंथ 15 प्लस इंफिनिटी हो गया, इस लिंक का लेंथ 5 प्लस इंफिनिटी हो गया। सो भैया 15 प्लस इंफिनिटी और 5 प्लस इंफिनिटी, तो आपका जो लॉन्गेस्ट लिंक का लेंथ होगा उसको आप कहेंगे 15 प्लस इंफिनिटी, और जो आपका पी है उसे कहेंगे 5 प्लस इंफिनिटी, और यहाँ पे जो एल दिख एस दिख रहा है वो हो जाएगा 20, और जो आपका क्यू दिख रहा है वो हो जाएगा 25। तो अगर मैंने कहा एस प्लस एल मतलब 20 प्लस 15 प्लस इंफिनिटी, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 5 प्लस इंफिनिटी प्लस 25। सो इंफिनिटी यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जा रहा है 35, ये वाला आ जा रहा है 35 दोस्तों, और इधर ये आ जा रहा है 30। सो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है ये क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया क्या? नहीं किया। मतलब 30 इज द लेस देन 35, इट मीन दैट एस प्लस एल ग्रेटर देन आ रहा है पी प्लस क्यू से। इसका मतलब है कि लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। लॉ सेटिस्फाई नहीं होगा मतलब एक भी लिंक कंप्लीट रोटेशन में नहीं होगा। दैट इज योर ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, जीरो नंबर ऑफ लिंक यहां पे कंप्लीट रोटेशन में होने वाला है। ठीक, सो ये था आपका क्वेश्चन। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन मैं लेकर आते रहूंगा दोस्तों। इसके अलावा जो गेट 2024 के लिए जाना चाह रहे हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है। सो बिल्कुल बिफोर 9 दिसंबर अगर आप परचेस करते हैं तो आपका जो लाइव क्लासेस है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में बाय गेट अकेडमी है ना, सो वो आप परचेस कर सकते हैं इस मिनिमम कॉस्ट में फॉर द 15 मंथ्स। 30 मंथ्स के लिए इस कॉस्ट में अराउंड आपको अगर मैं कहूं तो 300 रुपीज पर मंथ आपको लगने वाला है। इस पे लगभग लगभग 225 रुपए पर मंथ लगने वाला है, 225 रुपए आपके मोबाइल बिल के खर्चे से भी कम। ठीक है, ये टीम है ना, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये प्राइस के लिए आपको कोड लगाना रहेगा GA1111, ये ध्यान रखिएगा। इस प्राइस को पाने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा GA1111। इसके अलावा आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है दोस्तों, रिकॉर्डेड कोर्स के लिए भी आप जा सकते हैं। ये तो लाइव कोर्स का है, रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कॉन्टेंट देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आप जा सकते हैं। सबके लिए अब जैसे इंग्लिश है ना, ये हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स, ये भी रिकॉर्डेड कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा, और ये सबके लिए ये कम प्राइस में आप ये गेन कर सकते हैं। बस आपको कोड लगाना रहेगा GA1111। इसके अलावा अभी AIMT जो 2023 के लिए जा रहे हैं उनके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, सो उसमें रजिस्टर जरूर हो जाइएगा।
ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय।